हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आरजे फिटनेस क्लब गाइस आज का हमारा टॉपिक है पानी यानी वाटर के ऊपर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पानी कब कैसे और कितना पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा साथ ही कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है सो so गाइज मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक बने रहे गायस पानी हमारे बॉडी में 60 परसेंट से ज्यादा होता है इसलिए हमें अपने बॉडी को हेल्थी रखने के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बट अगर पानी गलत तरीके से पिया जाए तो हमारे बॉडी में काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे डाइजेशन का कमजोर होना ज्वाइंट्स में पेन माइग्रेन की प्रॉब्लम स्किन डिजाइज किडनी और हार्ट की बीमारियां हो सकती है और गैस आजकल नाइन्टी लोग पानी गलत तरीके से पीते हैं जिसके रीजन से उन्हें पानी के फायदे के बजाय उनको नुकसान होता है गाइस पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है ना पानी के हम खाने में से न्यूट्रिय को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं बट पानी इतना फायदेमंद है इसका मतलब ये नहीं की पानी हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे पी सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में चार मिस्टेक बताऊंगा जो पानी पीते समय लोग अक्सर करके करते हैं बट गाइस उससे पहले हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की गाइस बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाना खाते ही तुरंत पानी पीने की बट ये बिल्कुल गलत है उन्हें ये नहीं पता होता कि ये तरीका गलत है आयुर्वेद में इसे पॉइजन के बराबर माना गया है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का टम्परेचर बढ़ता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके बट काफ़ी लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं जिसके कारण हमारे पेट के रस पतले हो जाते हैं जिससे हमारा पेट का खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जब यह खाना ठीक से पचता नहीं डाइजेस्ट नहीं होता तो ये खाना आपके पेट में रोट करने लगता है सड़ने लगता है और जब ये खाना आपके पेट में रोट करता है सड़ता है तो इसके न्यूट्रिशन आपको एब्जॉर्ब करना तो दूर बल्कि उसकी वजह से गैस डाइजेशन कब्ज ब्लोटिंग जैसी कई सारी बीमारियां होने लगती हैं गाइज यही रीजन है कि आप सुनते तो होंगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं खाता तो बहुत हूँ फिर भी मेरा शरीर नहीं बन रहा पानी भी खूब पीता हूँ फिर भी खाना पीना हमारे शरीर को नहीं लग रहा वेट घट नहीं रहा वेट बढ़ नहीं रहा इसलिए गाइज जितना हो सके उतना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए आपको अपनी प्यास को बुझाना है तो चाहे तो आप खाने के बाद कुल्ला कर सकते हैं इससे आपको अपनी प्यास बुझाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी मिस्टेक नंबर टू गैस आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग पानी बहुत ही तेज़ी से पीते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी खड़े होकर पीना तो दूर लोग भाग भाग कर पानी पीते हैं चलते चलते पानी पीते हैं गाइस अगर आप पानी को तेज़ी से पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो किसी ना किसी तरीके से उस पानी को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो इसके अलावा हमारे पेट में एसिडिक और सलाइवा बेसिक जो कि पेट के अम्ल यानी स्टोमक एसिड को स्थिर यानी कि स्टेबलाइज करता है बट जब एक बार में ज्यादा पानी पीते हैं तो सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है और हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है यही रीजन है कि ज्यादा पानी पीने से आपका वेट घटता नहीं बल्कि बढ़ने लगता है इसलिए धीरे धीरे पानी पिए जिससे आपका सलाइवा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आप हमेशा पानी के लिए ग्लास का यूज करें तीसरा मिस्टेक है गाइस बहुत से लोग बाहर से आकर तुरंत फ्रिज से निकाल कर पानी पी लेते हैं क्योंकि उनको इसका प्रॉब्लम नहीं पता फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपका गला तो खराब होता ही है साथ ही ये आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करती है चिल्ड वाटर आपके ब्लड विजल यानी रक्त रक्तवाहिका को श्रिंक यानी कि सिकोड़ने लगता है आपके खाने में फैट को जमा करता है इस रीजन से डाइजेशन नहीं हो पाता और चिल्ड वाटर से आपके जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है अगर आप वार्म वाटर पी सकते हैं तो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा बट गाइस गर्मी में गुनगुना पानी अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप चाहे तो मिट्टी के घड़े में पानी रखकर उसे पी सकते हैं मिट्टी का घड़ा एक तो आपके पानी को नेचुरली ठंडा करेगा दूसरा पानी के आपके पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा पीएच का मतलब पावर हाइड्रोजन ओके चौथी मिस्टेक है गाइस बहुत सारे लोग खड़े होकर पानी पीते हैं अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी ठीक तरीके से पानी को फिल्टर नहीं कर पाती और अगर किडनी पानी को ठीक तरीके से फिल्टर करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा तो हमें कई तरीके की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस खड़े होकर पानी पीने से हमारे बॉडी के फ्लूड्स जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं इसलिए जितना हो सके उतना आराम से आप बैठ कर पानी पिए गाइस so ये वो गलतियाँ थी जो लोग अनजाने में पानी पीते टाइम करते हैं सो so गाइस अब हम बात करते हैं पानी कब कैसे और किस तरीके से पीना चाहिए जिससे हमें पानी के अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले सो so गाइस अब हम बात करते हैं पानी कब पीना चाहिए गाइस जब भी आपको कुछ पीने का मन करे तो आप सिर्फ पानी पीजिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही एक ग्लास पानी पीजिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब सलाइवा पानी में मिक्स होकर आपके पेट में जाता है तो डाइजेशन में हेल्प मिलती है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि सुबह की पहली लार आपके बॉडी के लिए काफी इफेक्टिव है इसलिए उठते ही सबसे पहले पानी पिए और खाना खाने से 30 से 40 मिनट पहले तक पानी ना पिए और खाना खाने के 40 से एक घंटे बाद तक पानी ना पिए ये तो थे कि पानी कब पीना चाहिए अब हम बात करते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए सोगाइ so ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है आपका डेली रूटीन क्या है और आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें पानी फलों और सब्जियों से भी मिलता है इसलिए फ़िक्स क्वांटिटी बताना सही नहीं होगा एक नॉर्मल इंसान को तीन से चार लीटर पानी की ज़रूरत होती है और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं वर्कआउट लगाते हैं तो आपको एक दिन में पाँच से सात लीटर पानी की ज़रूरत है क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वर्क करते हैं उनसे ज़्यादा पसीना बहाते हैं आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है इसलिए आप नॉर्मल आदमी से ज़्यादा पानी पियेंगे अब हम बात करते हैं पानी किस चीज़ में पीना चाहिए सो so गैस पानी तो आप किसी भी चीज़ में पी सकते हैं बट अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है यानी बासी पानी पीजिए तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी इसलिए आप तांबे के बर्तन में पानी को रख कर छोड़ दें और अगली सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए गैस यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो तांबे के बर्तन में ही पानी पिए उसे किसी और बर्तन से ना पिए ऐसा करने से आपके पानी के जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीना अमृत के बराबर माना जाता है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सुगा इस पानी नेचर का दिया हुआ एक वरदान है इसे सही ढंग से पिए सही तरीके से इसका यूज़ करें इसे वेस्ट ना करें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि पानी कब कैसे और कितना पीना चाहिए सो so सोगाइ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएँ लाल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं रुपेश ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा तब तक के लिए गुड बाय